हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ करियर ग्रुप। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है एंड आई एम द फिजिक्स फैकल्टी हियर। और एक बार फिर हमारी ऑनगोइंग सीरीज में, जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एनडीए के लिए, आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020। एक ही एग्जाम हुआ था उस साल बिकॉज ऑफ कोविड अनफॉर्चुनेटली। सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव की ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इफ यू लुक एट द फर्स्ट थ्री ऑप्शंस, वन इज वाटर यानी कि लिक्विड, सेकंड इज एयर यानी कि गैस, थर्ड इज स्टील यानी कि सॉलिड, तो इनमें से, इन तीनों से साउंड विल ट्रेवल इजिली because it will get a medium which is very very crucial for the propagation, but vacuum mein koi medium nahi hai, vacuum se sound nahi travel kar sakti. If I give you an example, suppose that you are sitting in a car and you have closed all the windows as well as the mirrors. So if you try to speak something and if someone is standing outside the car, he or she want to listen that, तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा. क्यों? Because inside the car a vacuum has been created एंड साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती. सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. Of course, focal length is less than that of radius of curvature. तो relation जो होगा, it will be 2F. Relation will be twice of F. A lemon kept in water in a glass tumbler appears to be larger than its actual size. It is because of the refraction. Because light will bend. When light travel from rare to denser, from air to water, it will bend towards the normal, and when light travel from denser to rare, that is water to air, it will bend away from the normal. Chaliye ji, let's move to the next one. So the correct option for this is refraction of light. Question number 4. Light enter the eye through a thin membrane called cornea. Some part of it although enters through the pupil also, but most part will enter through cornea. Yes, so the correct one for this is cornea. Next is, name the scientist who first used a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He was Sir Isaac Newton. आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म का यूज किया था टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर्स पर डे फॉर 30 डेज विल बी. देखिए, एक इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर है जो 5 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है 10 घंटे काम करने के बाद. उसने 30 दिन काम किया है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम की? 30 × 5 = 150 किलोवाट. 1 किलोवाट एनर्जी की जो कॉस्ट है वो 4 है, तो मल्टीप्लाई विद 4, 600 रुपीज. ऑप्शन ए, 600 रुपीज, ऑप्शन ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं. देखिए, ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर कॉन्ट्राडिक्टरी. इफ यू आर सॉल्विंग एन MCQ एंड यू विल गेट टू कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन, तो उनमें से एक 100% सही है. एक कह रहा है क्लोज्ड कर्व है, एक कह रहा है ओपन कर्व है. अब दोनों नहीं हो सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि क्लोज्ड भी और ओपन भी है. इसका मतलब इसमें से एक सही है. देखिए,
एक बात आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, मैग्नेटिक मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर नॉर्थ पोल है देयर हैज टू बी अ साउथ पोल, तो ओपन कर्व नहीं होगा, हमेशा क्लोज्ड। अगर आप एक आपके पास एक बार मैग्नेट है, लेट अस से दैट यू हैव अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है, आपने क्या किया उसको कट कर दिया, अभी ये नॉर्थ पोल है दिस इज साउथ, आपने उसको कट कर दिया, तो कट करने के बाद आपको जो भी मैग्नेट जो है मिलेगी लाइक दिस, ये नॉर्थ, उसमें एकदम से अल खुद से ही साउथ आ जाएगा, नॉर्थ साउथ, दिस इज नॉर्थ दैट इज साउथ। तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, नॉर्थ से फील्ड लाइंस चलेंगी तो साउथ पे खत्म हो जाएंगी, नॉर्थ से फील्ड लाइंस चलेंगी तो साउथ पर खत्म हो जाएंगी। नॉट करेक्ट पूछा था, तो ओपन कर्व नहीं है, क्लोज्ड कर्व होते हैं। बाकी दो आप चेक करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें एक ढूंढना था वो हम ढूंढ चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। किससे मिलके बना है? टंगस्टन से मिलके, टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, इसलिए। टू इक्वल रेजिस्टर आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, अ डीसी करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू द सर्किट एज शोन बिलो, द वैल्यू ऑफ आर इज, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, करंट इज इन मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा, तो यू हैव टू डिवाइड इट, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा विद 1000, तो 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। अब अगर आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो करंट गेट डिवाइडेड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जाने के बाद करंट डिवाइड हो गया है, सो दीज टू आर इन पैरेलल, जब पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट विल बी आर इन टू आर, आर प्लस आर, यानी कि आर बाय टू। नाउ यू हैव द रेजिस्टेंस, यू हैव द बैटरी, करंट भी, अब आर की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है वी इज इक्वल्स टू आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर बाय टू, और आर कितना आ जाएगा? टू वी अपॉन आई, वी इज 12, तो 2 इंटू 12, आई इज 0.1, तो आर कितना आया है? 240 ओम, विच ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 240 ओम, आर की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 240 ओम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है, ये आपने देखना है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, ऑप्शन डी देख लीजिए डायरेक्ट, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, इसको हम बोलेंगे वन न्यूटन, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ये पूरा एक न्यूटन है, यहां पे न्यूटन मीटर है, तो वंस अगेन डी इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, डी जो है एनर्जी की यूनिट नहीं है। टू प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद देयर रेडियस ऑफ ऑर्बिट एज आर वन इक्वल्स टू आर, आर टू इक्वल्स टू 4R, रेशियो ऑफ देयर पीरियड T1 by R, देयर इज अ मिसप्रिंट, इट्स T1/T2 नॉट T1/R2, ये T1/T2 है भाई, कुछ मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, अराउंड द सन। तो देखिए कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? दैट
टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. इट मीन्स टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर वन क्यूब बाय आर टू क्यूब. अब टी वन अपॉन टी टू की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, आर वन अपॉन आर टू थ्री बाय टू, और आर वन कितना है आर, आर टू कितना है फोर आर, तो ये आ जाएगा वन अपॉन फोर थ्री बाय टू. दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व इट, थ्री बाय टू को अलग अलग लिख लीजिए, वन बाय फोर स्क्वायर वन बाय फोर वन बाय टू, सॉरी नॉट स्क्वायर, ये इस बार मुझसे गलती हुई है, वन वन, तो ये आ जाएगा वन बाय फोर, वन का स्क्वायर रूट वन, फोर का स्क्वायर रूट टू, आंसर इज वन बाय एट. तो विच ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वन बाय एट, वन बाय एट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अ मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन लेंथ, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक वायर है, एक वायर है जिसका जो रेजिस्टेंस है, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस था 20 ओम, एक वायर है इसका रेजिस्टेंस था 20 ओम, अब इसको कट कर दिया है, तो मतलब एरिया डिवाइड नहीं हुआ, लेंथ डिवाइड हुई है, आर होता है रो एल अपॉन ए, एरिया डिवाइड नहीं हुआ, रेजिस्टिविटी सेम है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब रेजिस्टेंस भी 10 10, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इनको पैरेलल में रखा तो आर पी कितना आएगा 10 इंटू 10 10 प्लस 10 100 बाय 20 कितना आ गया 5. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 5 इज द करेक्ट वन. लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इंपिंजेस परपेंडिकुलरली ऑन अ टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द एरिया ऑफ द सरफेस हाफ द रेडिएशन फोर्स इट विल बिकम. एरिया को आप अगर हाफ कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, लाइट है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट है, एक सरफेस पे आकर के इंसिडेंट हो रही है और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, अगर आप उसको हाफ कर देंगे, अगर आप सरफेस एरिया को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, हाफ हो जाएगी इंटेंसिटी भी, क्योंकि अब उतनी लाइट पड़ेगी भाई, 10 मीटर स्क्वायर पे ज्यादा लाइट पड़ रही थी, 10 मीटर स्क्वायर पे ज्यादा लाइट पड़ रही थी, 5 पे आधी पड़ेगी बिल्कुल, 5 पे आधी पड़ेगी बिल्कुल, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड, सो दैट इज एवरीबडी नोज इट्स रेटिना, इट्स रेटिना. कंसिडर द फॉलोइंग इमेज, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक प्रोटोन है, अब आपने बताना है राइट एंगल पे एंटर हुआ है, तो चलो सबसे पहले दो तरीके हैं बताने के, थोड़ा सा समझना, थोड़ा टेक्निकल सवाल है. एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, इफ यू आर गुड एट वैक्टर्स तो क्यू वी विलोसिटी प्लस जे कैप बी आई कैप, जे क्रॉस आई यानी कि माइनस के, भाई ये वाई है ये एक्स है तो ये जेड है, जो आपकी तरफ है वो जेड है, दिस इज जेड. अगेन लेट मी टेल यू, थोड़ा सा आपको बता देता हूं, देखिए प्रोटोन इज एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो द जेड डायरेक्शन इज लाइक दिस, ऐसे होगी जेड डायरेक्शन, ध्यान से समझिए, इट विल बी लाइक दिस, Z is this, X is, sorry, Y is this, X is this. अब J cross I, J cross I तो minus K, अंदर की तरफ होगी, अगर plus K होता तो बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, into the page, into the page. वैसे समझ लीजिए right hand rule से, this denotes the direction velocity of the charge particle, that denotes the, this denotes the velocity of the charge particle, that denotes the magnetic field ऐसे, velocity ऐसे है. सो द डायरेक्शन ऑफ द पाम विल टेल यू द फोर्स. अब देखिए इस तरीके से पाम जो है इन टू द बोर्ड है, ऐसे प्रोटोन एंटर कर रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, पाम जो है इन टू द बोर्ड है, सो इसका आएगा डी, डी ऑप्शन.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट? करेक्ट कौन सा नहीं है? बी एंड सी आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दोबारा देख लीजिए, एक कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल है, एक कह रहा है ट्रांसवर्स है, दोनों वेव नहीं हो सकते, एक वेव के दोनों नेचर नहीं हो सकते, तो मतलब कि ट्रांसवर्स वेव नहीं है, साउंड ट्रांसवर्स वेव नहीं है। पहले क्वेश्चन में बताया था मीडियम की जरूरत पड़ती है, ट्रांसवर्स को नहीं पड़ती, लाइट को नहीं पड़ती मीडियम की जरूरत। व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर्स द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस सब्सटेंशियली, इंक्रीजेस बहुत बढ़ जाता है एकदम से, क्योंकि जो दोनों टर्मिनल्स हैं बैटरी के वो मिल जाते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट ही छोटा शॉर्ट हो जाता है, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स मिल जाते हैं, इनफाइनाइट करंट फ्लो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? इनमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? सबसे कम, तो सबसे कम वेवलेंथ होगी एक्सरे की। एक्सरे सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की, फिर एक्सरे, देन यूवी, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रो, देन रेडियो, देन रेडियो सबसे, तो एक्सरे इज द करेक्ट वन। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, चारों ऑप्शन का बिल्कुल अलग है, चार में से जो तीन ऑप्शन है उनका करंट से कोई लेना देना ही नहीं है, उनका लाइट से लेना देना है, तो एक ही बचता है गैल्वेनोमीटर, फैमिलियर से एक ही है, तो गैल्वेनोमीटर इज द करेक्ट वन। द सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, द फिनोमिना इन ऑप्टिक्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपीयरेंस इज, ऑफ कोर्स इट्स स्कैटरिंग, रेड कलर स्कैटर द लीस्ट, ब्लू कलर स्कैटर द मोस्ट, सो दैट्स व्हाई सन अपीयर्स टू बी रेड ओनली एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। विद दैट दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद।